हे गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ स्वाति पाठक और आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग. सो मैं आज जा रही हूँ ऑफिस और आज है दिवाली सेलिब्रेशन ऑफिस में, तो हमें उसमें बे डेकोरेशन करनी है और एथनिक में भी जाना है. टुडे इज एथनिक डे टू, तो साड़ी पहननी है मुझे और सामान मैंने रख लिया है जो भी मुझे ऑफिस लेके जाना था. चलो अब मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. सो ये है वो साड़ी जो मैंने डिसाइड की है आज पहनने के लिए. दिस इज़ अ प्लेन साड़ी विद दिस बॉर्डर और मीडियम साइज़ का बॉर्डर है. बस यही है पूरी साड़ी पे, और कुछ भी नहीं है. और ये मैंने रख लिया है सामान जो मुझे लेके जाना है ऑफिस पूजा की डेकोरेशन के लिए. ये है मेरी करवा चौथ वाली थाली, कुछ दिए, कुछ मिट्टी के वैसे कप्स टाइप पड़े थे वो रख लिए मैंने. ये लोटा रख लिया है, नारकेल कोई और ला रहा है, एंड ये वाटर वाले दियाज है तो ये रख लिया है. ये लीव्स रख लिए हैं क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे, बाकी वहाँ जाके देखते हैं. यहाँ मैंने दूध उबलने चढ़ा दिया है. ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी हो गई है ऑलमोस्ट. बस अब मैं जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. और फिर मैं फटाफट से रेडी होने लग गई बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट. ऑल्दो आई वॉज ऑन टाइम बट आई वॉन्टेड टू गेट रेडी बिफोर हैंड सो दैट एंड टाइम पे मुझे कुछ अगर याद आता है तो आई कैन डू इट. सो बस ये पहनी मैंने फटाफट से साड़ी, ये झुमके पहने मैंने जो कि मैंने रिसेंटली मंगवाए हैं. अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो आप बताना. और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस गोल्डन झुमके पहने, गोल्डन चूड़ियाँ पहनी हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, एंड दैट्स इट. साथ के साथ मनीषा घर में काम भी कर रही थी तो मैं बीच बीच में उनसे बातें कर रही थी, वो कुछ बोल रही थी तो जवाब दे रही थी. और इस तरीके से मैं फटाफट से हो गई रेडी. हेलो जी, सो मैं हो गई हूँ रेडी और ये रही मेरी आउटफिट. ये प्लेन साड़ी पहनी है मैंने विद दिस गोल्डन बॉर्डर, साथ में ये गोल्डन बैंगल्स एंड दीज झुमकास. सो मैं हो गई हूँ रेडी, फटाफट से करती हूँ कैब बुक और निकल के फिर आपसे मिलती हूँ. सो मैं निकली तो बहुत अच्छे मूड में थी, बट मेरा दिन ख़राब कर दिया उस कैब और कैब ड्राइवर ने. बिकॉज पहले तो वो आया बहुत लेट और उसके बाद उसकी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मैं आधा घंटा लेट पहुंची हूँ ऑफिस. सो मूड तो बहुत ख़राब हो चुका था ऑलरेडी, बट एनीवे हम पहुंच गए ऑफिस और फिर हमने डेकोरेशन कर ली. टीम में कुछ लोगों ने मिल के किए डेकोरेशन, ऑफकोर्स आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. और ये सब हम सब ने मिल के किया हमारी टीम ने. एंड उसके बाद हमारा रैम्प वॉक जो कि हर फंक्शन पे होता ही होता है, एंड दिस इज द एचआर एंड द टीम फन. हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत मस्ती की. आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा. सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी का इतना सारा टाइम स्पेंड करते हो लाइक एवरी डे बेसिस पे ऑफिस में, उनके साथ आप छोटे छोटे फेस्टिवल्स को इंजॉय करो, अप्रिशिएट करो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और फिर हमारी पूरी टीम गई डिनर के लिए बाहर. क्या बात है. जय हो लक्ष्मी माता. सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड द एंट्रेंस ऑफ आर बे. और ये है हमारे पूरे बे का वीडियो जो कि मैंने फटाफट से रिकॉर्ड की आप लोगों को दिखाने के लिए. और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि आप कितना भी तैयार होकर चले जाओ, कोई भी सेलिब्रेशन हो, एक दो घंटे सेलिब्रेट करने के बाद काम तो करना ही पड़ता है. सो यस, बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू ऑफिस लाइफ. और बस कॉल्स वगैरह शुरू हो गए उसके बाद, सो देयर वाज नथिंग टू रिकॉर्ड. हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ घर. बस अब मैं जा रही हूँ चेंज वेंज करने और फिर सोने, क्योंकि आई एम लिटरली एग्जॉस्टेड. मैं सोई भी नहीं हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा क्योटिक था ऑफिस. तो चलिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं अगले ब्लॉग में.